बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन कराम, मैं आज अपनी एक सिस्टर के यहाँ मौजूद हूँ। ये हमारी बहन बेवा हैं और इनके ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और इनके कुछ बच्चे स्कूल गए हुए हैं। ये हमारी बहन लोगों के घरों में काम काज किया करती थी और इसके जो ससुराल वाले हैं, जब इनके खावंद का इंतकाल हुआ, उन्होंने इसका जो हिस्सा बनता था वो भी नहीं दिया था हमारी इस बहन को। तो इस फैमिली को उन्होंने अपने घर से बेदखल किया। और ये अभी हमारी बहन बता रही थी कि उसे वो रात कभी नहीं भूलेगी जब इसने वो रात सारी रात एक सड़क पे गुजारी थी। तो अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, स्पेशली वो हमारे बहन भाई जिन्होंने सिस्टर के लिए हेल्प भेजी, डोनेशंस भेजे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस सिस्टर के पास एक अपना एक खूबसूरत सा रूम है। इनको वॉशरूम की तामीर करवा के दी गई है, पूरे घर को सिक्योर किया गया है, बाउंड्री वॉल दे दी गई है और ऑलरेडी इसको पहले छोटा सा बिज़नेस भी करवा दिया गया था इस बहन को। तो जब हम पहले दफ़ा आए थे, हमने इस घर को देखा था, ये बिल्कुल अनसेफ थी हमारी बहन। पूरा घर ओपन था, इनके पास एक कमरा था जिसमें ये फैमिली रहती थी। तो ये हमारी सिस्टर पूरी तरह अनसेफ थी और इसके पास कोई चार दीवारी नहीं थी। और ये हमारी बहन अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ इस घर में रहती थी। एक कमरा था जो इन्होंने कच्ची ईंटों से तामीर किया हुआ था, छत भी कच्ची थी और जगह जगह से उससे सुराख थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस वीडियो के देखने के बाद हमारे बहन भाई जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है, और मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ, स्पेशली डॉक्टर फैसल साहिब का और इस्माइल भाई का, अल्लाह ताला आप सबको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाएंगे। हमारी बहन खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनका एक नया रूम तामीर हो चुका है। घर को सिक्योर करने के लिए बाउंड्री वॉल और एक दरवाज़ा लगा दिया गया है। घर में वाशरूम की तामीर कर दी गई है, हैंडपम्प नहीं था, हैंडपम्प लगा दिया गया है बिज़नेस के लिए इस बहन को, ताकि अपने पाँव पे खड़ी हो सकें। इनको एम्पावर करने के लिए बकरियों का कारोबार करवाया जा चुका है। दोस्तों ये बात सच है और इसमें ज़रा भी शक नहीं है। मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बकरियां रखो और उसमें बरकत होती है। हमने चंद महीने पहले सिस्टर को बकरियाँ ले दी थी, अलहमदिल्ला वो सेफ़ भी हैं, प्रॉपरली उसकी वैक्सीनेशन भी करवाई गई, हमने दोबारा डॉक्टर को भेजा था, इसकी वैक्सीन भी करवा दी। अल्हम्दुलिल्लाह उनमें सारी बकरियां प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि उनमें एक मेल जो गोट थी इसके अंदर रखी हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सारी बकरियां प्रेग्नेंट हैं और इंशाल्लाह विद इन 2 or 3 months इंशाल्लाह ये बकरियां बच्चे देंगी और इस बहन के कारोबार में इजाफा होगा। अल्लाह ताला इसके कारोबार में बरकतें नसीब फरमाए। और ये हमारी बहन कितनी खुश है, मैं इनसे थोड़ी सी बात करता हूँ और इनसे पूछने की कोशिश करता हूँ कि इनकी पहले की लाइफ और अब की लाइफ में क्या फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मेरी बहन अकीला, आप जब मुझे याद है कि जब हम पहली दफ़ा आपके पास आए थे तो आपके घर की कोई चार दीवारी नहीं थी, एक कमरा था जिसमें आप सारे बच्चों के साथ रहती थी। तो अब के और उस टाइम के हालात कैसे हैं, फ़र्क है? अल्लाह का शुक्र अल्लाह अलग, ये अब मेरे हालात बहुत अच्छे हैं। मुझे एक भाई ने कमरा ये बनवा कर दिया, अल्लाह उसको बहुत दे, बहुत इज्जत दे और बहुत उसको रोजी में बरकत अता फरमाए। मैं बहुत खुश हूँ आज। अच्छा माशाल्लाह खुश है। और बकरियों का जो कारोबार है उसका तजर्बा कैसा रहा, वो ठीक है? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक है। सारी बकरियां बच्चे देंगी इंशाल्लाह? इंशाल्लाह सब हमल से हैं। माशाल्लाह, तो आप उनके साथ भी मेहनत कर रही हैं। तो अच्छा ये चार दीवारी देने का क्या फायदा हुआ, अब आप महफूज हैं, परेशानी तो नहीं जैसे पहले आप फिक्र होती थी कोई चोर ना आ जाए आपके घर में या इस तरह के हालात ना हो? नहीं, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है, अल्लाह का शुक्र अब हम महफूज हैं और चार दीवारों के अंदर हैं। रात को हम बस अंदर से ताला लगा के सोते हैं, अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छे हैं। अच्छा ये जो जगह थी आपके वालिद साहब ने आपके नाम पे करवा दी है, ये जगह इंतकाल दे दिया? हाँ जी वो मुझे दे दिया। चलें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मेरी बहन अकीला, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह ताला ने जिस रब ने आपको मुश्किलात दी उसने आपको आसानियां भी दी हैं, तो अपने रब को कभी भी नहीं भूलना, उसका जितना भी शुक्र अदा कर सकती हैं करें। तो बहुत शुक्रिया मेरी बहन, दुआओं में हमें भी याद रखना है, हमारे उन बहन भाइयों को भी याद रखना है जिन्होंने आपके बिजनेस के लिए, आपकी बाउंड्री वाल चार दीवारी के लिए, आपके घर के लिए जो सारा इंतजाम किया। दुनिया की सारी खुशियाँ अता थे। बहुत शुक्रिया मेरी बहन। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन इकराम, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए जो आप लोग हमें इनक्रेज करते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं, हमारी वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। उसके शेयर करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो लोग जो ऐसी फैमिलीज़ की तलाश में होते हैं, जो ऐसे हकदारों को तलाश कर रहे होते हैं, वो इन लोगों तक अप्रोच करते हैं। हमारी हर वीडियोज़ के अंदर उन फैमिलीज़ की तमाम तफसीलात मौजूद होती हैं। हम नहीं चाहते कि आप हमें डोनेशन भेजें, बल्कि आप उन फैमिलीज़ तक अप्रोच करें।
اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو صحیح حقدار لوگ ہیں ہم ان کو آپ کے سامنے لا رہے ہیں اور آپ لوگ ان تک آسانی سے پہنچ جاتے ہیں اور اس طرح کے مسائل کا شکار ہماری بہت ساری مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں جو اس طرح کی تکلیف سے گزر رہی ہیں تو آپ کے تھوڑے سے جو ڈونیشنز ہوتے ہیں بے شک آپ تھوڑے تھوڑے کنٹریبیوشن کر کے آپ انہیں بھیجتے ہیں لیکن ان ماؤں کے لیے ان بہنوں کے لیے بہت بڑی نعمت سے کم نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ